क्लास 12th में, मैं अगर बात करूं 9, 10, 11, 12th, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से जहां के बाद आनंद कुमार का काम बिल्कुल शुरू हो जाता है। और वो बहुत बच्चे जो एग्जाम्स के लिए और कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि जो उनका जो मस्तिष्क है, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पर्सनैलिटी ग्रो होती है, जो स्कूल की बाउंड्रीज से बाउंड्रीज नहीं है, वो सब चीजें जो मिस हो रहा है, उससे प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स अब ये कहने लगे कि साहब मेरा बच्चा जो है चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है, बोलता नहीं है, कुछ कह रहे बोलता नहीं है, गुमसुम हो गया है। तो इस तरह की चीजों की तरफ लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया है या प्रॉब्लम शेयर करना शुरू किया, रादर अगर मैं ये कहूं तो। डॉक्टर श्रद्धा, नहीं, आपने बहुत सही कहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली ये जो प्री अडोलेसेंट एज है या अडोलेसेंट एज है, बहुत सारे पेरेंट्स ने लोग ने कंप्लेन किया है कि बच्चे रूम के बाहर नहीं आते, वो फुल टाइम अपने लैपटॉप के साथ या आईपैड के साथ अंदर बैठे हुए हैं, स्कूल कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशंस कर रहे हैं। और यही चीज़ हमको एज पेरेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज द चाइल्ड इज शटिंग डाउन। तो बच्चों को एनकरेज कीजिए कि लंच टाइम पे, मील्स टाइम पे बाहर आइए, उनके पास अंदर गो एंड चेक देम इन कि वो क्या कर रहे हैं, आर दे ओके, डू दे रिक्वायर एनीथिंग। फिर एक जो रिचुअल्स होते हैं, लाइक एक्सरसाइज, फिजिकल रूटीन, एज डॉक्टर हैज सेड बिफोर, स्टिम्युलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन। तो एक फिजिकल एक्सरसाइज इज अ नेचुरल प्रोड्यूसर फॉर डोपामिन एंड सेरोटोनिन, विच इज द हैप्पी हॉर्मोन। तो हमारा वेलबींग उससे होगा। तो शाम को अगर बच्चे, लाइक उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी मिस हो रही है, ऑफकोर्स अगर हम साइकिलिंग करें, फुटबॉल खेलें, अपने बिल्डिंग में वॉक पे जाए। मुझे एक और चीज बोलना है कि यहाँ जो मैम बोल रही थी कि दे हैव बिकम कंटेंट बेस्ड एजुकेशन, एक ये भी हमने देखा है कि बच्चों को ये ऑनलाइन में मोटिवेट करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो ये मोटिवेशन जो हो रहा है, वी आर सीइंग कि बच्चों का मोटिवेशन कम हो रहा है। डॉक्टर श्रद्धा, मैं डॉक्टर श्रद्धा मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं आनंद कुमार जी, लेकिन एक बच्चे का फोन आ गया है। आर्यमन, आप फोन लाइन पर हैं? हां जी आर्यमन, आप फोन लाइन पर जी, किस क्लास में हैं आप, पहले तो ये मुझे बताइए। नमस्ते अंकल। फिफ्थ में आपका? जी, नमस्ते। मुझे ये बताइए कि कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, कैसी चल रही हो पढ़ाई लिखाई से जाइए बताइए कि घर में कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक काम हो रहा है, खेल रहे हैं या सिर्फ बदमाशी ज्यादा हो रही है या कोई चीज मिस कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आप। आर्यमन, सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो सबसे ज्यादा अपने स्कूल को मिस किया और अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स को मिस किया। और मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा था, पर ऑनलाइन क्लासेस में मुझे उतना मजा नहीं आता है जितना स्कूल में आता है। लॉकडाउन की वजह से हम पार्क में खेलने नहीं जा सकते और फैमिली के साथ ट्रिप में नहीं जा सकते। मेरा बर्थडे भी आया था लॉकडाउन में, पर मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया फ्रेंड्स के साथ। और लॉकडाउन के पहले मैं रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, अब मैं नहीं कर सकता। अब मैं ज्यादा टाइम मोबाइल से स्पेंड करता हूँ और अब मैं मोटा भी हो गया हूँ, तो सब मुझे मोटा। ओह माय गॉड। अच्छा आर्यमन, आप पहले इतना बोलते थे, मुझे एक मिनट बताइए आर्यमन, पहले आप इतना बोलते थे या ये लॉकडाउन के पीरियड में बोलना ज्यादा शुरू कर दिया आपने? पहले इतना बोलते थे क्लास में भी? इतना ही बोलते थे पहले भी? इतना ही बोलता था मैं। अच्छा, चलो ये तो ठीक है, इतना ही बोलते रहिएगा। और ये मोबाइल पे कितने घंटे हो रहा है आजकल टाइम? बहुत ज्यादा, 7-8 घंटा। मोबाइल पे कितना टाइम लगता है? 7-8 घंटा। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच, ये ज्यादा है। और आपने कहा कि मैं थोड़ा सा मोटा भी हो गया हूं, तो उसकी तो ज्यादा चिंता मत करो, वो तो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन आप जो ना जैसे हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इमेजिन कर रहा हूं जो आपकी पर्सनालिटी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहिए। लेकिन हाँ, जो चीजें आपने कही वो मैं सीधे डॉक्टर रोहित गर्ग के पास ले जाना चाहता हूं। नॉर्मल बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, लेकिन हाँ, बोलो या टेल मी। के मम्मी पापा को कोरोना हो गया था, तो मेरे फ्रेंड्स को अलग रूम में रहना पड़ता था, तो मैं उनको वीडियो कॉल करके उनको हंसाता था और उनके साथ ऑनलाइन गेम खेलता था। अच्छा,
तो आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको शाबाशी भी। आप तो एक तरह से समझिए कि आप तो वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, और मैं आपको छोटा सा एक सिल्यूट देता हूँ, छोटा सा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रोहित दर एक शार्प कमेंट लेके मैं आनंद कुमार के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो 12th की स्टूडेंट है प्रणिका मल्होत्रा, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आनंद कुमार जी ही उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रोहित गर्ग, मैं जानना चाहता हूं, जो अभी बोल रहे थे आर्यमन, आपने सुना उनको, ढेर सारे, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, बिल्कुल एकदम एकदम उसके अंदर उत्साह भी दिख रहा है, उसकी 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 जो एनर्जी है वो भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये लॉकडाउन 1.5 साल का, और अगर ये थर्ड लेयर, जो थर्ड वेव है, खुदा ना करे सामने आए, लंबा हो गया ये, तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम होगी। कैसे एड्रेस करें, क्या क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है, और प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं बच्चों के अंदर। डॉक्टर देखिए, हमारे अंदर जो भी है ना, कि जो भी हम सीखते हैं करते हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कोई सोशल एंग्जाइटी की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, वो एक ह्यूमन इंट्रैक्शंस के थ्रू ही हो सकती है। कभी भी अगर ह्यूमन इंट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, या आपस में एक एक सिंपल बात बच्चे जो सीखते हैं, शेयरिंग की बात हम सीखते हैं, तो वो तभी हो पाती है जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, करते हैं, आपस में जाते हैं। बच्चा आके वापस अपनी बात बताता है, उन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, उससे वो रिलेशनशिप हैंडलिंग सीखते हैं। तो जब तक ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किलें होती हैं इन लोगों को अपने इमोशनल रेगुलेशन करने के लिए। व्हेन दे गो टू द स्कूल, यू नो, दे हैव देयर क्लोज फ्रेंड्स, दे हैव देयर एनिमीज, दे हैव देयर दे फाइट विद ईच अदर, यू नो, दे हैव जेलसी फैक्टर्स। सो हाउ डू वी यू नो फील दीज इमोशंस सिटिंग इन वन रूम ऑफ द हाउस। तो ये जो सारे इमोशंस हैं, ये तभी फील होंगे और तभी हम इस चीजों को ग्रो कर पाएंगे जब हम स्कूल जाएंगे या बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसा कि छोटे बच्चे ने कहा कि भाई, जब मैं जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, आई मिस माई फ्रेंड्स, आई नीड टू प्ले विद देम, आई नीड टू इंटरेक्ट विद देम। राइट नाउ दे आर इंटरेक्टिंग ओनली ऑन द सोशल मीडिया, विच इज इंक्रीजिंग। आई हैव हैड चिल्ड्रन विच आर सीइंग द स्क्रीन फॉर 12 आवर्स। वो कमरे में पेरेंट्स तक को एंटर नहीं करने दे रहे हैं, बिकॉज दे आर नाउ हैप्पी इन देयर ओन जोन। So, which is also leading a big gap between the parents and the children. You know, a father comes and tells me, "Okay, my daughter is telling me, Papa, please don't disturb me. Can you please leave the room? I mean, and she's on the phone." So, these are the kind of things which are happening and which is increasing a gap between the children and the parents. और डॉक्टर साहब, दूसरी भी चीज हो रही है, जब आप 24 घंटे एक ही रूम में या एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनके बीच की जो बातचीत है, उसका भी असर बच्चों पे पड़ रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको करना चाहेंगे। लेकिन मैं सीधे, क्योंकि आनंद कुमार जी मेरे पास बहुत कम समय के लिए हैं, पणिका मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल, आपके दिमाग में क्या है, आफ्टर 12th क्या करना चाह रही थी आप, सो दैट कि मैं आनंद कुमार के पास आ जाऊं फटाफट, बताइए वेरी क्विक। पणिका, क्या सोचा था आपने, मेरे पास बाहर जाने की सोच रही थी या यहीं पे? नहीं, अगर मेरे पास एक और चांस अभी हो तो मैं अभी स्कूल जाना चाहूंगी। स्कूल हमारा सेकंड घर ही है, दूसरा घर है, और हमारा हर मोमेंट वहाँ पे स्पेंड करा हुआ, वो ऐसी मेमोरीज बन जाती है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी मेमोरीज, मोमेंट्स, जितना है लाइफ लॉन्ग, वो स्कूल टाइम को भूल नहीं सकते, स्पेशली 12th। हमारी तो कम से कम 11 साल हमने स्कूल में बिताए हैं। हमारी पर्सनालिटी हमारे स्कूल ने ऐसी बनाई कि हम अगर पैंडेमिक भी आए, हम उसे फेस कर सकते हैं। पर जो जैसे अभी वो बच्चे ने आके बोला, छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, और वो बाहर नहीं निकल सकता, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा। हम बात कर सकते हैं, पर उनकी खेलने कूदने की उम्र है, एंड दे आर स्टक एट होम। एंड ऑफ कोर्स, बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं कि ये जो असर है बड़ा है, लेकिन मैं